तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल तो हमने बर्थडे नहीं मनाई, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जिम से आ रहे हैं, हुलिया वगैरह खराब है, बाल भी खराब है, ना दाढ़ी बनाई है ना कुछ बनाया है, लेकिन बस हम आ गए मुंह उठा के। अब यहाँ पे हम लेते हैं केक। ये हमारी आई आ चुकी है। हाय आई निहाओ से हाय हेलो। अभी हमने यहाँ पे केक लेना है, ठीक है, उसके बाद हम क्विक बर्थडे मनाएंगे क्योंकि मिस हो चुकी थी, मैं यहाँ पे नहीं था। इन्होंने वैसे मनाई है, इसका गिफ्ट भी रहता है और केक भी रहता है। तो अभी हम आई को कहते हैं कि कौन से वाला केक बाय करना है, तो आओ लेट्स गो। यार अभी यहाँ पे सारे केक लगे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से वाला पसंद करते हैं। अभी अभी आई दिखा रही है, आई दिखा रही है कि कौन से वाला केक हमें पसंद आएगा। कौन सा है कोई, तू पसंद कर, जो तुझे पसंद आता है वही लेंगे हम, क्योंकि बर्थडे तेरी है, गुजर चुकी है लेकिन हम मनाने आ गए हैं। पाइनएप्पल और चॉकलेट। यारा जी केक का ऑर्डर दे दिया है इन लोगों ने, जो बड़ा सा केक मंगवाया था। अब कोई कह रहा है कि छोटा सा केक हो, ज्यादा बड़ा रहा हो तो ज़्यादा हो जाता है, तो बस अब नॉर्मल सा केक लिया है। रूम में जाके मनाएंगे इसकी बर्थडे। और अभी आई को हमने ऑर्डर दिया, आई रेडी कर, आई को हमने ये बोला है, आई को चुप कर बात करने दे। आई को हमने ये बोला है कि जल्दी करना ज़रा, हमारा यूनिवर्सिटी का गेट वो बंद हो जाएगा। अभी टाइम नहीं है, 10:30 बजे गेट बंद हो जाता है, हमारे पास 40-50 मिनट है। तो अभी केक रेडी होता है, उसके बाद देन हम निकलते हैं और खुई की बर्थडे मनाएंगे। अच्छा खुई, नीचे कमेंट में यह भी आ रहा होता है कि आई किसको कहते हैं। आई आंटी को कहते हैं। आंटी को कहते हैं, वो वैसे आंटी है तो नहीं, लेकिन बस प्यार से आई बोल देते हैं। तो अभी आप आपको दिखाते हैं कि केक किस तरह से बन रहा है। पहले आई ने ये रखा हुआ है, इसके बाद इस पे क्रीम लगाएगी और पता नहीं क्या क्या लगाएगी। इधर यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई थी, उसमें क्रीम भर के आई के वो तो चगा ये होता चगा हाँ, ये मैंने पहले खाई थी, ये बड़ी मजे की चीज है। तो ये क्रीम लगा एक और ले। ये बड़ी मजे की चीज है, बड़ी चस आती, मैंने जब पहले केक लिया था तब भी मैंने खाया। आई चीज क्षमा चॉकलेट डाल रही है, ये चेक कीजिए। ये इसने हमा ने उसको बोला था कि चॉकलेट और पाइनएप्पल का बना के दे, पाइनएप्पल डाल दिए ऊपर चॉकलेट, बस जो भी है दोनों चीजें आ गई ना तेरी जो पसंद की है। बड़े बड़े परफेक्ट तरीके से बना रही है, कसम से चेक करो, ऐसे घुमा रही है ऐसे। ये तीन चॉकलेट विषम हां इथियन इथियन विषम इथियन चगा विषम इथियन विषम इथियन हां ये वाला फॉर्म सा कैर इतना कम नहीं है। ये जो हमारा केक रेडी हो रहा है ये है तकरीबन 80 युआन का, 88 का था लेकिन हमने डिस्काउंट मांगा है तो इसलिए इसने डिस्काउंट दिया, शायद 80 का दे दे। और 80 तकरीबन आरएमबी पाकिस्तानी बनते हैं 3200 रुपए का हमारा केक बन रहा है। इतना सा पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान में इतना 1600 का बन जाता है, 1500 तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, तो गुजारा करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा यार, जिनको बिल्कुल भी चाइनीज नहीं आती ना और पाकिस्तान से आ रहे हैं मतलब चाइना के लिए, तो जो दो तीन चीजें हैं ना जिनसे गुजारा चल जाता है, तो वो हम आपको बताते हैं। 4-5 चीजें हैं, दो याद कर लो, इनसे गुजारा हो जाता है। एक तो सबसे पहले है हेलो, जिसको ये चीज कितने की है, 200 चीन 200 चीन और मतलब ये चीज कितने की है। दूसरा वोमिंग पायला, यानी आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आई है, समझ आ गई है। और वो पूमिंग पायला, मतलब वो पूमिंग पायला आई डोंट अंडरस्टैंड, वो पूछता हूँ आई डोंट नो। और बाकी चीजें मे यो आई डोंट हैव,
बाकी ये कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब के सीखनी चाहिए, चार पांच चीजें हैं, ये सीख लो तो इनसे गुजारा चल जाता है अगर बिल्कुल आपको चाइनीज नहीं आती। हम भी ऐसे ही थे, हम भी जब शुरू शुरू में आए थे तो मतलब यही चीजें सीखी, अभी भी ऐसी ही हैं। हम तो अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी मतलब के जो मेन चीज है थोड़ा गुजारा कर जाते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके लिए ये मस्ट है कि गूगल ट्रांसलेटर तो कोई मसला नहीं है। और एक और है वो थिंग पोतोंग, मुझे समझ नहीं आई, तो ये सारी चीजें जब उसकी चाइनीज समझ नहीं आती तो बोल दो वो थिंग पोतोंग। फिर ये रेडी हो चुका है हमारा केक, बहुत ही प्यारा सा, बस पता नहीं देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा है, बाद में देखेंगे। यार जी बिल वगैरह कर दिया, हम चलते हैं। आई जय चैन, बाय बाय शीशे। खोला नहीं होगा इसके पास, शे खला। तो यार जी हम अब निकलते हैं। आई जय चैन, बाय बाय। पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम हॉस्टल पहुंचे अटेंडेंस वगैरह लगवाई, वो जो अटेंडेंस वाली आंटी नहीं है तो उसने जब केक देखा तो कहती है किसकी बर्थडे है, मैंने कहा खुई की बर्थडे है, तो कहती है बी क्वाइट ऑन योर बर्थडे, मतलब शोर नहीं मचाना यहाँ पे क्योंकि चलता रहता है ना सारा कुछ सीन, तो ये लोग जरा डिस्टर्ब होते हैं शोर से, तो उनको पहले से पता चल गया कि ये लोग शोर मचाएंगे, लेकिन हम शोर वाले नहीं है ना, हम शोर नहीं मचाते, हम अच्छे बच्चे हैं। सर जो हम केक बना के लाए हैं वो खुई के बर्थडे के लिए था, जो उसकी चार पाँच दिन पहले बर्थडे गुजर चुकी है। मुझे अभी पता चला है कि सजाद भाई की बर्थडे है। सजाद भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक्स। और ये केक अब आपके लिए भी है और खुई के लिए भी है, दोनों को मिला के आपकी दोनों की बर्थडे एक साथ ही मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, मुझे पता नहीं था, सॉरी। ये जी हमारा बर्थडे बॉय तैयार हो रहा है, घंटा ये नहाया है फिर भी शक्ल वैसी की वैसी, अंदर खुई गया था बाहर नहीं, बाहर कोई और आया। अभी हम खुई के बर्थडे मनाने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं, हमारा जो सिस्टम है सारे पहले एक एक बंदा ना खुई को पहले हैप्पी बर्थडे बोलो। सजाद भाई हैप्पी बर्थडे भाई, हजारों साल। जनजेब भाई हैप्पी बर्थडे भाई, जल्दी फोत हो जाओ। और क्या नाम है आपका, पहले नाम बताओ। मेरा नाम है वांगू, ग्लासेस के साथ बुढ़ा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे बोल दो। Happy birthday, खुई भाई। Happy birthday, पांच दिन बाद, पांच दिन बाद। Happy birthday to you, खुई my brother। मैं फिर से बोल गया था कि सजाद भाई की भी बर्थडे है, तो एक एक बंदा सजाद भाई को भी हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे सजाद भाई, जनजेब हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे सजाद भाई, बहुत बहुत लव यू।
शर्टें बना ली हैं, सारा कुछ सिस्टम हो गया है। इस व्लॉग को इंशाल्लाह यहाँ तक हम इख्तिताम पे ले आए हैं, और इस क्या बड़ी औखी उर्दू बोली है यार, इख्तिताम पे ले आएंगे। तो इस व्लॉग को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सारे बंदे जो जो भी व्लॉग देख रहे हैं, सजाद और खुई दोनों को हैप्पी बर्थडे नीचे लिख देना कमेंट में लाजमी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।